साइंस फॉर स्टैंडर्ड फिफ्थ एंड टुडे ऑफ सीड डिस्पर्सल। जो सीड डिस्पर्सल होते हैं, सीड जो बीज होता है, बीज को फैलाने वाले जो एजेंट हैं, वो कौन कौन से, हमें इनका नाम देना है। ये शॉर्ट का आंसर है आपका। ओके, सो आंसर है विंड वाटर एनिमल्स। क्या है? विंड वाटर एंड एनिमल्स। एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। व्हाट आर द डिफरेंसेस, क्या डिफरेंस है, यानी क्या अंतर है बिटवीन बीच में खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ फसल और रबी फसल में क्या अंतर है? तो आंसर है खरीफ क्रॉप्स विच ग्रो इन समर सीजन। फसलें जो समर सीजन मतलब ग्रीष्म ऋतु या गर्मी, फसलें जो गर्मियों में होती हैं उन्हें हम कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। एंड रबी क्रॉप्स क्या है, व्हाट आर रबी क्रॉप्स। सो क्रॉप्स विच ग्रो इन विंटर सीजन, एंड जो क्रॉप्स विंटर सीजन में होती हैं उन्हें हम कहते हैं रबी क्रॉप्स। इज दैट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे। डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स ऑफ सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल के वेरियस मेथड को आपको डिस्क्राइब करना है। जैसे मैंने आपको सीड डिस्पर्सल के मेथड को बताया था ना, वो कौन कौन होते हैं, वो विंड वाटर एंड एनिमल्स, राइट। तो बस हमें उन्हीं को डिस्क्राइब करना है, मतलब उन्हीं का वर्णन करना है। ओके, सो नंबर 1 में रहे विंड। विंड मींस क्या होता है, हवा। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर वेरी लाइट। सीड यानी कि बीज, कुछ वो बहुत हल्के होते हैं वैन ड्राई जब वो सूख जाते हैं। देखा होगा जो बीज होते हैं सूखने के बाद बहुत ही हल्के हो जाते हैं। आर इजली कैरीड अवे बाय विंड टू डिस्टेंट प्लेस। इसलिए इन सीड्स को, जो वो बीज होते हैं जो हल्के हो जाते हैं ड्राई होने के बाद, उनको हवा द्वारा कहीं भी ले जा सकता है। जो हल्के हो जाते हैं, आपने देखा होगा जो हल्की चीज होती है, लाइट थिंग कोई भी हो, तो उसको हवा उड़ा देती है। जैसे कागज, पॉलीथीन, पॉलीबैग, कुछ भी आपने देखा होगा, जब हवा वगैरह चलती है तो ये अपने आप ही उड़ने लगती है। तो ऐसे जब बीज जो बिल्कुल हल्के हो जाते हैं सूखने के बाद, जब वो सूख जाते हैं तो उन्हें इजिली यानी कि आसानी से कहीं भी ले जा सकता है बाई विंड, हवा द्वारा, टू डिस्टेंट प्लेस, किसी भी जगह पर। ओके, ये दूरी वाली जगह पर। एंड नेक्स्ट टॉपिक वाटर। सीड्स ऑफ दोज प्लांट्स विच ग्रो अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर और सीज आर डिस्पर्स्ड बाई वाटर। सो वाटर के जो सीड्स, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो प्लांट्स के, उन प्लांट्स के सीड जो ग्रो करते हैं बैंक ऑफ द रिवर या सी, जो नदी या समुद्र के किनारे जो ग्रो करते हैं प्लांट्स, उनके बीज वो पानी द्वारा ही डिस्पर्स होते हैं, यानी कि पानी द्वारा ही फैलते हैं। ओके, नाउ एनिमल्स। मैनी सीड्स एंड फूड्स आर डिस्पर्स बाई बर्ड्स एनिमल्स। एंड कुछ सीड, कई सीड ऐसे होते हैं, सीड एंड फ्रूट्स जो बर्ड्स एंड एनिमल्स द्वारा फैलते हैं। दे फ्लैसी पार्ट ऑफ द फ्रूट, उनका जो फल का जो फ्लैसी पार्ट होता है वो खा लेते, एंड थ्रो अवे द सीड, वो हम लोग खा लेते हैं और बीज को फेंक देते हैं। तो जो बीज फेंका वही वो उग आया अपने आप ही, जैसे हमने बीज जो खा लिया फेंक दिया, बीज उग जाएगा, प्लांट बन जाएगा, है ना। तो ये 3 मेथड है जिन्हें यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब किया है। सो आप लोग इन्हें नोट कर लो एंड लर्न कर लो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पेपर में आ जाए, फिर क्या करोगे, इसलिए लर्निंग जरूर करते रहना। एंड क्वेश्चन नंबर 8,